Hello dear students, welcome to English class. I hope that all your studies are going well. So students, we were learning nouns and today also we are going to practice some questions on nouns. Now you will say that ma'am, we have already learned, we have already solved so many exercises, but students, maths and grammar are the subject which needs lot of practice. अगर हम बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उसमें परफेक्ट हो पाएंगे. इसीलिए मैं आपको जो एक्सरसाइजेज है वो प्रैक्टिस करवा रही हूँ. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज नाउन एंड व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ नाउन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज द डेफिनेशंस एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स द एक्सरसाइज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? Yes, noun is a name of person, place, animal or thing. किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो noun होता है. Everything that surrounds you, जो भी आपके आसपास है वो noun है. So मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ही अच्छे से learn हो गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारा ये revise कर लिया है. Now there are five types of noun, but we are going to learn about three. So the first one is the proper noun. What is proper noun? Proper noun is a specific name given to particular person, place, animal or thing. किसी भी चीज़ का specific जो नाम होता है वो proper noun होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या किसको point कर रहे हैं, तो वो proper noun होता है. Means a perfect name given to any person, place, animal or thing is a proper noun, and proper noun is always written in capital letters. Next is common noun. As the name suggests, these are the names used commonly. मतलब ये generic names होते हैं जो हम commonly सभी के लिए use करते हैं, like boy, girl, country, city, grandfather, uncle, river, sea. मतलब ऐसे बहुत सारे ये वाले जो terms हैं ये हम commonly सभी के लिए use करते हैं, so ये कॉमन नाउन्स होते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन. सो व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कैन यू आंसर मी? यस, कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू अ ग्रुप और द कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स. ओके, सो जो कलेक्टिव नाउन है ये किसी भी जो लोग होते हैं उनके ग्रुप को या फिर एनिमल्स के ग्रुप को या फिर कोई चीज़ है उनके कलेक्शन को जो टर्म्स जो नाम दिया जाता है जो नेम अटैच किया जाता है वो कलेक्टिव नाउन होता है. लाइक स्वार्म ऑफ बीज, बंडल ऑफ स्टिक्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन्स है. ओके, सो क्लियर? आई होप दैट ऑल दीज थ्री डेफिनेशंस आर क्लियर. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज अंडरलाइन द टाइप ऑफ नाउन that is mentioned in the bracket. So here some sentences are given और उन sentences के सामने bracket में आपको nouns mention किए गए हैं और आपको देखना कौन suppose अगर proper noun है तो आपको sentence में find out करना है कि जो sentence है उसमें proper noun कौन सा है और आपको उसमें underline करना है. okay, so let's start. The first is our team won the match. So here in the bracket the noun given is that is collective noun. Now what is collective noun? Collective noun is a collection of person, animals or things. तो यहाँ पर कौन सा term है जो collective noun है? Yes, right. Team. जो word team है ये collective noun है. So we are going to underline or circle the word team because it is a collective noun. Okay. Next is Sita sang sweetly. और इसमें आपको क्या फाइंड करना है? प्रॉपर नाउन. अब यहाँ प्रॉपर नाउन क्या है? इट इज अ प्रॉपर नेम अटैच टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन सा? और प्रॉपर नाउन कैपिटल में भी लिखा होता है तो उसे हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो कौन सा है? सीता. सीता इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, नेक्स्ट इज इट इज अ बिग कंट्री. और यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन. Now what is common noun? It's a generic name, general name given to any person, place, animal or thing. तो यहाँ पर common noun कौन सा होगा? Yes, correct, country. Country जो है वो common noun है, so you have to underline country. Next is we live in India.
और यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर नाउन, जो कि आपके लिए बहुत ही इजी है। प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर में होगा, तो है ऐसा कोई वर्ड जो कैपिटल लेटर में है? यस, इंडिया इज अ वर्ड विच इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, नेक्स्ट वन, द मैन इज कैरिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट कलेक्टिव नाउन। अब इस सेंटेंस में आपको पता लगाना है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? इट्स अ नेम गिवन टू कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन कौन सा होगा? द मैन, मैन कलेक्टिव नाउन है? नो, इट इज नॉट अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट, कैरिंग भी कलेक्टिव नाउन नहीं होगा क्योंकि ये तो एक्शन है, इट्स अ वर्ब। सो बंडल ऑफ स्टिक्स, सो हेयर बंडल, द वर्ड बंडल इज अ कलेक्टिव नाउन। स्टिक्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? हम बंडल कहते हैं। ओके, सो बंडल इज अ कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट इज डॉग्स बार्क एट थीव्स, और यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कॉमन नाउन। सो कॉमन नाउन इस सेंटेंस में देर आर टू कॉमन नाउन्स, कैन यू आइडेंटिफाई देम? यस, डॉग्स एंड थीव्स, these both are common noun. Okay, then there was a large crowd of people in the street, and here you have to find out collective noun. So now let's find out in this sentence which is a collective noun. There was a large crowd of people. Crowd of people, it means collection of people, matlab log wahan ikhatte ho rakhe hain. To jo word crowd hai ye kya hai? कलेक्टिव नाउन है। क्राउड ऑफ पीपल मीन्स लोगों की भीड़ है वहां पर। नेक्स्ट वन इज पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। सो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है प्रॉपर नाउन। नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन कौन सा होगा? पेरिस इज कैपिटल ऑफ फ्रांस। सो यहाँ पेरिस और जो फ्रांस है ये दोनों ही प्रॉपर नाउन है। देर आर टू प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस, दैट इज पेरिस एंड फ्रांस, बोथ आर द प्रॉपर नेम गिवन टू अ प्लेस। सो पेरिस और फ्रांस क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। और कैपिटल क्या होगा? यस, कैपिटल विल बी कॉमन नाउन। ओके, नेक्स्ट इज ही इज अ गुड बॉय, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस। सो ही तो कोई नाउन नहीं है, ये तो प्रोनाउन है। गुड एडजेक्टिव है, सो नाउन कौन सा हुआ? कॉमन नाउन हुआ बॉय, क्योंकि बॉय जो टर्म है ये हम कॉमनली यूज करते हैं सबके लिए। ओके, सो बॉय इज अ कॉमन नाउन। और क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आपको पता लगाना है कलेक्टिव नाउन। और क्लास कंसिस्ट ऑफ 40 स्टूडेंट्स, सो इन दिस सेंटेंस जो स्टूडेंट्स है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है ना? तो यहाँ पर जो क्लास है, क्लास क्या होगा? ये कलेक्टिव नाउन होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस। सो ये एक्सरसाइज मैंने आपको इसीलिए करवाई है कि कभी आपके टेस्ट में या फिर एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएं जहाँ आपको अलग अलग नाउन्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो आप इस तरह से उन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस मोर एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनी बुक और एनी सेंटेंस। अगर आपके पास पिछले साल की बुक्स हैं तो उनमें भी कई सेंटेंसेस होते हैं, तो आप उनमें भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है या कौन सा कॉमन नाउन है एंड विच इज कलेक्टिव नाउन। सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस देम। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रैक्टिस, स्टडी हार्ड एंड have a good day. Thank you.